बुंदेलखंड की ये धरती वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है। इस भूमि को बीना और बेतवा दोनों का आशीर्वाद मिला हुआ है और मुझे तो महीने भर में दूसरी बार सागर आकर आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मिला है। और मैं शिवराज जी की सरकार का भी अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे आप सबके बीच जाकर के आप सबके दर्शन करने का अवसर भी दिया। पिछली बार मैं संत रविदास जी की उस भव्य स्मारक के भूमि पूजन के अवसर पर आपके बीच आया था। आज मुझे मध्य प्रदेश के विकास, उस विकास को नई गति देने वाली अनेक परियोजनाओं का भूमि पूजन करने का अवसर मिला है। ये परियोजनाएं इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा देगी। इन परियोजनाओं पर केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। आप कल्पना कर सकते हैं 50,000 करोड़ क्या होता है। हमारे देश के बहुत सारे राज्यों का पूरे साल का बजट भी इतना नहीं होता है जितना आज एक ही कार्यक्रम के लिए भारत सरकार लगा रही है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के लिए हमारे संकल्प कितने बड़े हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में मध्य प्रदेश में हजारों हजार युवाओं को रोजगार देंगे। ये परियोजनाएं गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के सपनों को सच करने वाली है।